हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज 16 हफ्तों की इंटर्नशिप की जो फाइल है उसका पार्ट थर्ड मैं अपलोड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको उनका अपडेट तुरंत मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई कमी रह जाती है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको सुधार सकूँ। स्टार्ट करते हैं। टीचर्स डेली रिकॉर्ड, टीचर्स डेली रिकॉर्ड में आपको जो है ये इस तरीके का प्रोफार्मा मिलेगा, उसमें आपको फिलअप करना है डेली का रूटीन जो आपका स्कूल में होता है। ठीक है, ये देखिए डेट वाइज है, यहाँ पे आपकी डेट पड़ेगी, डे पड़ेगा, और सबसे पहले मॉर्निंग में क्या किया, क्या टाइमिंग थी, प्रातः 8 बजे का स्कूल था, सभी बच्चे सभी अध्यापक वहाँ प्रांगण में प्रार्थना सभा में इकट्ठा हुए, आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट होती है, क्लास 7th 8th, इस फाइल के अकॉर्डिंग इनको 7th और 8th क्लास मिली है। आपको जो भी क्लास मिलेगी आपको उसकी पूरी डिटेल फिल करनी है। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस, सेकेंड पीरियड कितने मिनट का था और कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो ये यहाँ पर ये देखिए इन्होंने लिख रखा है। इसी तरीके से आपको फिर आपकी सेकेंड क्लास जो होगी, क्लास 8th या जो भी क्लास आपकी होगी, आपका सब्जेक्ट जो मिला होगा, कौन सा पीरियड होगा, कितने मिनट का होगा, कितने बच्चे आए होंगे, ये आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद लंच टाइम में जो होता है प्रोसेस, वो आपको यहाँ फिल करना है। फिर डिसिप्लिन के लिए आपने क्या किया वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद ये क्लास में कुछ बच्चे अगर कुछ शैतानी करते हैं या कुछ करते हैं, तो मतलब कि आपको ये पूरा सेटअप दिन भर का आपको फिल करना है। इसी का दूसरा पोर्शन होता है, ये हम देख लेते हैं। आप क्लास टेस्ट ले रहे हैं अगर, तो क्या रूटीन रहा उस दिन का, कोई एक्टिविटी हो रही है उसका रूटीन क्या रहा, और हेल्थ से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में उसके लिए, और नॉन टीचिंग वर्क अगर आपसे कुछ लिया जा रहा है स्कूल में तो आपने क्या किया उसको यहाँ पर इन्फॉर्म करना है। कोई स्पेशल इवेंट उस दिन अगर होता है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। छुट्टी का टाइम, अध्यापक से अध्यापक और अभिभावक की मीटिंग अगर छुट्टी के टाइम होती है, बातचीत होती है, वो बताना है आपको यहाँ पे। इस तरीके से करके छुट्टी तक का पूरा ब्यौरा आपको सेट करना है। यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ प्रिंसिपल सिग्नेचर होगा जो आपके स्कूल में आपने ज्वाइन किया है वहाँ के प्रिंसिपल का, और यहाँ आपके सुपरवाइज़र का सिग्नेचर होगा। तो इस तरीके से आपका 16 वीक का डेटा पूरा पूरा मेंटेन होना है। हॉलीडेज़ छोड़ करके, फेस्टिवल्स छोड़ करके, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका असेंबली रिकॉर्ड जो है डेली वाला वो बनेगा, वैसे ही ये भी बनेगा 16 हफ्ते तक के। बस जो आपके फेस्टिवल पड़ेंगे, जो छुट्टियां पड़ेंगी, वो आपको छोड़ देना है। जैसे 16 का था, ये देखिए ये 17 तारीख का है, ये देखिए, फिर ये आ गया 18 तारीख का। 18 के बाद 19 छुट्टी रही होगी, तो ये देखिए 19-20 छुट्टी थी, 18 के बाद ये 21 तारीख हो गया। इस तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, तो ये आपका 16 हफ्ते तक का ऐसे ही मेंटेन होगा टीचर्स डेली रिकॉर्ड। अब आ जाते हैं पार्टिसिपेशंस में। पार्टिसिपेशंस में हम आते हैं तो आपने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट वहाँ पर किया है। जैसे कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है तो वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा क्या हुआ, वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप वीडियो का कंटेंट, फाइल का कंटेंट देख लीजिएगा। ये देखिए मैनेजमेंट और टीचर्स मीटिंग, अगर आप इस मीटिंग को भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपका अनुभव कैसा रहा, क्या हुआ, किस तरह हुआ, आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। फिर असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए आपने कोई कार्यालय कार्य किया वहाँ पर,
तो आपका कैसा अनुभव रहा, क्या क्या काम किया आपने कार्यालय में, आपको यहाँ पर ये सब लिखना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कार्यालय में आपने फीस जमा करना, प्रवेश अभिलेख तैयार करना यानी कि एडमिशन प्रोसेस, पुस्तकालय साज सज्जा यानी पुस्तकालय में आपने लाइब्रेरी में किसी तरीके का कोई वर्क किया, कोई हेल्प करी, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट थर्ड, 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल फोर्थ सेमेस्टर, बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। वीडियो के आगे के पार्ट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बीएड की मिलेगी। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, आपको हर टॉपिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।